अब रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की अपराध जगत की खबरों की ओर और प्रयागराज में जो उमेश पाल हत्याकांड हुआ है उसकी ओर। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। बाजार से आसानी से भागे शूटर, क्यों प्रयागराज पुलिस ने उन्हें नहीं रोका और उन्हें छू तक नहीं पाई। जहां पर उमेश पाल हत्याकांड प्रयागराज का बन गया योगी सरकार पर दब्बा कि आखिरकार किस तरह की कानून व्यवस्था योगी सरकार यूपी में चला रही है, आखिरकार सोचने वाली बात है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में हुए उमेश पाल हत्याकांड को लेकर प्रयागराज की पुलिस संदिग्ध घेरे में आ गई है। प्रयागराज की पुलिस पर यह सवाल है कि इस हत्याकांड के 48 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस अब तक हमलावरों को क्यों नहीं पकड़ पाई। ये सवाल भी है कि ये हमलावर भागे क्यों। ये सवाल भी कि आखिर जो कार्बाइन सीसीटीवी फुटेज में पुलिस वाले के सामने से उठाई गई दिखाई देती है, वो कार्बाइन अब कहाँ है। प्रयागराज में शुक्रवार को हुई इस घटना के बाद पुलिस के हाथ जो सफलता लगी है उसका रोजाना मजा सुन लीजिए। जो खबर सामने आई है उसके मुताबिक अतीक अहमद के घर के पास से वो क्रेटा कार बरामद की गई है जिससे शूटर घटना को अंजाम देने आए थे। लेकिन सवाल यह है कि पुलिस को ये क्रेटा कार बरामद करने में 24 घंटे से अधिक वक्त क्यों लग गया। दूसरा सवाल यह है कि जिस इलाके में ये घटना हुई वहां से हमलावर इस क्रेटा कार को लेकर फरार कैसे हो गए, वो भी ऐसी स्थिति में जबकि 100 मीटर दूर पुलिस की पोस्ट थी, चौराहे पार किए गए। वो घटना जिसमें प्रयागराज के पुलिस विभाग को कटघरे में खड़ा होना पड़ा, उस घटना के बाद हमलावर क्रेटा कार में बैठकर फरार हो गए, शहर भर में घूमते रहे, उस नंबर को किसी ने सर्विलांस पर नहीं लगाया, जबकि कंट्रोल रूम से शहर भर की निगरानी सीसीटीवी कैमरों से होती है। एक और सवाल है, सवाल महत्वपूर्ण इसलिए कि घात लगाने की सारी प्लानिंग की गई थी, उमेश पाल के पीछे कचहरी से लोग पड़े थे, लेकिन इंटेलिजेंस विभाग कहां था किसी को नहीं पता। एक और सवाल यह भी है कि जिस उत्तर प्रदेश में पीआरवी व्हीकल्स की एक बड़ी संख्या है, हमलावर गोली मारकर भागते रहे और उन्हें किसी पीआरवी ने नहीं रोका, क्या पीआरवी के अधिकारी सिर्फ चौराहों पर अपनी लाइट जलाकर लोगों से गाड़ी रोककर उनके जाने का पता पूछने के लिए हैं? सवाल कई हैं। सवाल ये कि जिस शख्स को दो दो पुलिस गनर मिले हुए थे, जिस शख्स के पास सरकारी बंदूकों का एक सुरक्षा जत्था था, दो लोगों की सुरक्षा थी, दोनों गनर्स की ड्यूटी भी थी, उस शख्स को मारकर उसके गनर की कार्बाइन उठाकर लोग भाग निकले और लोग पूछने तक नहीं आए कि ये लोग कौन हैं। सवाल उस कार्बाइन के गायब होने पर भी है जो सीसीटीवी फुटेज में एक हमलावर पुलिसकर्मी के हाथ से उठाते हुए नजर आ रहा है। पुलिस अधिकारी इस पर कुछ भी कहने से बच रहे हैं। एनबीटी की टीम ने प्रयागराज के पुलिस अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ अफसर बात करने को राजी नहीं हुए। कुछ के पीआरओ ने फोन उठाया और ये कह डाला, साहब मीटिंग में हैं। लेकिन प्रयागराज की पूरी घटना पर यह सवाल है कि क्या पुलिस की शह के बिना ये पूरी कार्रवाई हुई है। जिस प्रयागराज में कमिश्नरेट बनाकर कानून व्यवस्था मजबूत करने का दावा किया गया, उस प्रयागराज में दिन दहाड़े 4 बजे के आसपास एक शख्स को कई हमलावरों ने गोली मारी, गोली मारकर अपनी गाड़ी लेकर फरार हो गए। पुलिस को इतनी जहमत भी नहीं हुई कि वो अस्पताल को बैकअप पे लेकर एक डॉक्टर भर का इंतजाम कर पाए। अस्पताल में मरीज के पहुंचने के बाद काफी देर तक उन्हें इलाज भी नहीं मिल पाया। बाद में उमेश की मौत हो गई, इसका आरोप परिवार ने लगाया है। प्रयागराज की घटना ने पूरे पुलिस विभाग को कटघरे में खड़ा किया है। अब हमलावरों की तलाश हो रही है, लेकिन सब लोग ये कह रहे हैं कि हमलावरों की फायरिंग करने के बाद भागते वक्त ही उन्हें क्यों नहीं पकड़ लिया गया, कैसे ये लोग भाग गए, जिले छोड़ गए, क्यों मध्य प्रदेश तक छापेमारी हो रही है, आखिर पुलिस ने उन्हें प्रदेश से और जिले से बाहर निकलने कैसे दिए। सवाल कई हैं, पुलिस विभाग को इसका जवाब देना पड़ेगा, लेकिन उमेश पाल हत्याकांड ने यह बताया है कि हमारी पुलिसिंग व्यवस्था की हकीकत क्या है। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में दे